अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर छोटा सा विलाग लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। एक दोस्त के पास आया हुआ था, वो यहाँ हॉस्पिटल में काम करता है, तो बारिश हो गई थी तो रुक गया था। तो अभी फिर मैंने कहा चला अभी बारिश रुक गई है तो मैं अभी निकलता हूँ। पहाड़ों पे बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र, बादल उतरे हुए हैं, ठीक है। इस साइड पर भी थोड़ा सा आगे चल के मैं फिर आपको बैक साइड से दिखाता हूँ, वहाँ से सही ज़रा नज़र आएगा। इससे पहले कि हम लोग व्लॉग में आगे चलें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द और बआसानी पहुंच सके। अभी जी लेफ्ट साइड में पहाड़ों पे बहुत ज़बरदस्त मंज़र पेश कर रहे हैं, बादल उतरे हुए, ठीक है, वो ऊपर तक पहाड़। मैं जब अंदर था हॉस्पिटल में अपने दोस्त के पास, क्योंकि मेरा दोस्त यहाँ हॉस्पिटल में जॉब करता है, तो हम लोग एक बात याद कर रहे थे बचपन की। हम लोग जिस टाइम बारिश हुआ करती थी तो एक जादू मंत्र किया करते थे। जो मेरे दोस्त होंगे पंजाब के, स्पेशली गुजरात या मंडी वालदीन के, जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, वो इस मंत्र को क्या कहते हैं, मुझे तो बस हंसी भी आ रही है, इस मंत्र को बखूबी जानते होंगे कि जब हम लोग बारिश में पित मारने निकला करते थे ना, बारिश में नहाने को हम लोग वहाँ पित मारना कहते थे। पित निकल आती है गर्मियों में पंजाब में जिस्म पे, तो हम लोग एक मंत्र पढ़ा करते थे कि बारिश रुके ना, क्योंकि पंजाब में वहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है पाकिस्तान में। तो हम लोग एक मंत्र पढ़ते होते हैं, कालियाँ इट्टा काले रोड मी वसा दे ज़ोरों ज़ोर। और मैं बस, वो मेरा दोस्त पहले काफ़ी पीने हम लोग बैठ गए, तो वो भी फ्री था सेकंड टाइम पे, इतना ख़ास रश नहीं होता हॉस्पिटल में, जॉब जो करते हैं वो तकरीबन फ्री होते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं मेरे पास बैठा रहा। तो मैंने कहा यार बारिश रुकेगी तो मैंने जाना है, तो वो बार बार वही कह रहा है, कहता है कि जी कालियाँ इटा काले रोड मी वसा दे ज़ोरों ज़ोर। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार बचपन की यादें अभी याद हैं तुझे, तो ये मेरा दोस्त है, हम लोग वहाँ इकट्ठे ही होते हैं पाकिस्तान में, हमारा नेबर भी है और बहुत अच्छा दोस्त भी है और हमसाया भी है, तो भाइयों जैसा इसके साथ रिलेशन है। तो ये वही बात कर रहे, कहते हैं याद है जब हम लोग कच्छे पहन के नहाया करते थे पित में, पित मारने के लिए बारिश में। तो मुझे याद है कि हमारी एक ताई होती थी, ताई फिदो, अल्लाह पाक उनको खुश रखे और उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो एक दफ़ा मैं उनके घर गया हुआ था तो बारिश शुरू हो गई, तो वो मुझे पूछती थी, वो बदल में नहाना है तुमने, पंजाबी में बदल च नहाना है, तो उन्होंने मुझे कच्चे सी के दिए थे हमें, तो हम तीन चार थे उस टाइम कज़न साज, तो हम लोग बारिश में काफ़ी देर नहाते रहे। तो अभी तक वो मतलब जहाँ भी किसी शादी ब्याह में या किसी तकरीब में या कहीं गैदरिंग होती है फैमिली की, तो वो अभी तक मुझे इसी वो बात से याद कराती हैं कि शायद बदल चिन्ह नहीं, तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। मेरा तो काफ़ी टाइम हो गया उनसे मुलाकात किए हुए, जहाँ भी हैं खुश रहें। तो मुझे बस वो बारिश हो रही थी तो मुझे वो उसके ना मंत्र से वो बात याद आ गई, तो मैंने कहा यार तुझे अभी तक याद है, हम लोग बचपन में ये कहा करते थे। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा फन रहा, अंदर काफ़ी पी उसके साथ, और खाने का कह रहा था लेकिन मैं असल में लेट हो रहा हूँ तो मैंने घर पहुँचना था, तो घर में भी मैं खाना रेडी था मेरा, तो मैंने कहा मैं घर चल के खाऊँगा। तो उसे तो रात को तकरीबन 2 बजे छुट्टी होनी है, तो फिर जब उससे मुलाकात होगी तो फिर किसी टाइम दोबारा खाने का प्रोग्राम रखेंगे उसके साथ। लेकिन मज़ा बहरहाल बहुत आया, पुरानी यादें ताज़ा हुई, पुराना वक़्त याद आया और पुराना मंत्र याद आया, जो कि मैं इस यहाँ की यूरोप की गहमा गहमे वाली 8-9-10 साल जो मैं यहाँ गुजार चुका हूँ इसमें भूल चुका था। तो बज़ाहिर तो ये एक छोटी सी और फजूल सी बात लगती होगी, लेकिन जो लोग ये 90s किड्स हैं ना, स्पेशली पंजाब के और गुजरात मंडी के, वो ये चीज़ समझेंगे कि पित में ना पित मारने के लिए बदल में नाना क्या चीज़ होती है। तो बाकी बात कोई बुरी लगे या कोई ऐसी बात लगे जो समझ ना आई हो या मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजर चाहता हूँ। तो बाकी मेरे साथ रहिए व्लॉग में। तो अभी मैं अपने दोस्त के हॉस्पिटल से निकला हूँ और
घर की तरफ जा रहा हूँ। हॉस्पिटल से क्या, दोस्त का क्या, हॉस्पिटल दोस्त वहाँ जॉब करता है तो उसके पास वैसे ही गया हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया था और उसकी आज शाम को 5 बजे ड्यूटी थी और मुझे स्पेशली उसने बोला था कि शाम को आज मेरी ड्यूटी है और शाम को क्या नाम यहाँ पर रश रुश कोई नहीं होता, आना मेरे पास, हम लोग बैठेंगे और गपशप लगाएंगे। और जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर मौसम का एतबार कोई नहीं होता, एक लम्हे बड़ी तेज़ धूप होगी, दूसरे लम्हे बहुत ही क्या नाम तेज़ बारिश शुरू हुई होगी या बर्फ़बारी शुरू होगी। खैर बर्फ़बारी का तो अभी सीज़न तकरीबन ख़त्म हो गया, सिर्फ पहाड़ों पर रह गई है, तो अभी बर्फ़ पड़ेगी, नवंबर दिसंबर में दोबारा स्टार्ट होगी। अभी ठंड ठंड और ये इस तरह का मौसम रहेगा। तो हम लोग वहाँ, उसकी बड़ी कोशिश थी खाना खिलाने की, लेकिन मैंने कहा नहीं बस काफ़ी बहुत है और बाकी मैं चलता हूँ। तो बहरहाल जी बहुत ज़बरदस्त वक्त रहा। ये जो लोग कहते हैं ना कि यूरोप में बड़ी कारपेटेड सड़कें और बड़ी रेशम जैसी सड़कें होती हैं, वो ज़रा ये देख लें, इत्थे भी ये जी, इत्थे भी नवाज शरीफ की हुकूमत रही होनी है किसी दौर च। बाकी खैर ये सियासी बात हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जब यूट्यूब पर मैं अपलोड करूँगा तो शायद उसके नाम की वजह से ये चलने भी ना दें, वो क्या नाम है, वो आजकल वो लग भी जाते हैं ना, पता नहीं क्या कहते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन। और खैर हुकूमतों की गल हुकूमतों पर रहने देने। तो यहाँ एक साइड पे हो के मैं आपको दिखाता हूँ जी, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों पर बादल उतरे हुए। नानी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं, परियां तो नहीं देखी, बहरहाल बादल बहुत प्यारे निकले हुए देखे हैं। मुझे याद है कि पाकिस्तान में भी हमारे शहर में अक्सर जब बारिश हुआ करती है तो बादल नीचे ज़मीन तक आए होते हैं, बहुत ज़बरदस्त। गिम्बल मेरे पास नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो शेकी लगे तो उसके लिए माजरत। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं जाऊँगा वापस जर्मनी तो फिर गिम्बल के साथ बनाया करूँगा, क्योंकि अभी मैं साथ लाया नहीं था और मेरा इतना प्रोग्राम नहीं था कि इतने दिन रहना। मैं असल में आया था कुछ एक दो दिन के लिए, लेकिन मेरा यहाँ पर तकरीबन काफ़ी टाइम लग गया, एक दो छोटे छोटे काम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इसके बाद निकलेंगे। ये सामने ब्रिज बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, एक तरफ टावर क्रेन है और लग यूँ रहा है कि टावर क्रेन इतनी लंबी है कि उसके ऊपर से ट्रक गुजर रहे हैं। असल में ऐसा नहीं है, ब्रिज अलग है और टावर क्रेन अलग। चलते हैं जी आस्ता आस्ता घर की जानब। और ये एक दरख्त लगा हुआ है जी, बड़ा प्यारा घना, अब पता नहीं है किस चीज़ का दरख्त है, लेकिन बड़े प्यारे नीचे बेंच लगे हुए हैं गर्मी से बचने के लिए या बैठने के लिए। ठीक है जी, बहुत ही ज़बरदस्त चर्च। मैंने एक दफ़ा पहले भी अपने एक व्लॉग में बताया था कि चर्च मैंने बहुत देखी यूरोप में, और इटली की चर्च जो है वो बहुत ही प्यारी हैं और दूर से ही अलग सी नज़र आती हैं। और इटली के अलावा जो मैंने खूबसूरत चर्च देखी हैं वो मैंने फिनलैंड में देखी हैं। इस साइड वैसे तो रब का घर है, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मैं क्या नाम है अच्छी बुरी की नहीं बात कर रहा, कि मतलब डिज़ाइनिंग के लिहाज से और खूबसूरती के लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो ठीक है जी, फिर मुझे आपके कमेंट्स में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर इसमें कोई कमी कोताही रह गई है तो मुझे ज़रूर गाइड करें, मुझे अच्छा लगेगा और मेरा हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर किस तरह बना सकूँगा। प्लीज़ मुझे अपनी आवाज़ से आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं जी फिर एक नए किसी टाइम नए व्लॉग में, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।